उस छाया में छाया है, उस जीवात्मा के प्रकाश में उस ऊपर की छाया का यानी कमल के अंदर गणेश जी का दर्शन, ब्रह्मा और सावित्री का, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में ब्रह्म शिव और पार्वती का, और कंठ में आद्या महाशक्ति का छाया के रूप में साक्षात्कार होता है। सही रूप नहीं, वो तो उनका रूप तो ऊपर सही है, लेकिन शरीर में कमलों में छाया पड़ी हुई है और सूरज के जीवात्मा के प्रकाश में वो छाया दिखाई देती है। तो योगियों ने इस छाया का अनुभव कब किया? जब सतयुग त्रेता और द्वापर, जब शरीर में ताकत थी, अनुकूल साधन थे, गृहस्थ आश्रम परिवार अनुकूल था, खान पान पर पूरा नियंत्रण था, इंद्रियां उस समय पर दमन में थी, तब ये सब चीजें आपके लिए थी। लेकिन ये कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया, ना गुदा चक्र का साधन, ना इंद्री द्वार का साधन, ना नाभि कमल का साधन, और ना मतलब हृदय का साधन, ना वो कंठ का। अब जीवात्मा जहाँ बैठी है, नीचे के साधन सब छोड़ दीजिए और यहीं से ऊपर चल देना। अब ऊपर मंजिल 5 और नीचे मंजिल 5, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये तो जीवात्मा का शरीर में हृदय है, तो नीचे 5 स्थान और ऊपर 5 स्थान। अब बिचारी नीचे फंसी हुई थी, इसको महात्मा प्रकाश को कमल से समेट कर ले आए और यहाँ इसका केंद्रित कर दिया, यानी सिमटाव करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब इसको आगे ले चलना, तो सैदल कमल और इसके बाद में ये ईश्वर का धाम, और फिर ऊपर में दूसरा स्थान ब्रह्म धाम, तीसरा स्थान पार्वण धाम, और चौथा स्थान महाकाल, और पांचवा स्थान जो है वो सतपुरुष। सूरत इस तरह से ऊपर से उतार कर और नीचे ला करके डाल दी गई, दोनों आंखों के पीछे बैठा कर और नीचे उतार दी गई जड़ता में। अब इसको होती नहीं, कब इसकी चेतनता बरामद होगी? ये बिना महापुरुषों के कोई काम ये कर ही नहीं सकता, और आपके कितने जीवन ऐसे चले, बर्बाद हो गए। इसलिए आपको किसी को ऊपर का राज न। ऊपर क्या हुआ? जहाँ जीवात्मा बैठी है वहां मध्य भाग में ऊपर किसी में वो दिव्य दृष्टि, उसमें क्या हुआ है ये आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब साधक, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, इच्छा जागती है, तब होती है, रोता भी है और जीता है, प्रार्थना भी करता है, जब वेद मिल जाता है तो स्मरण भी करता और ध्यान भी करता है, तो उसमें पड़ता है और संसार से जीतता है, अपने काम से जीतता है। तो जब कुछ ही दिनों में, महीनों में उसका काम बनना शुरू हो जाता, क्योंकि महापुरुषों की जब दया समावेश और सहयोग जब उसको मिलने लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा, फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए महापुरुषों की दया और उनका सहयोग, उनकी शक्ति का अवश्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो कुछ है नहीं। जब उनसे कुछ लेंगे तभी काम होगा, बगैर उसके नहीं होगा। तो मैं ये काम तो मामूली समझता हूं, इस काम को तो कुछ नहीं समझता, बस केवल इतना ही है कि आप खड़े भर हो जाओ तो ये काम कुछ नहीं है। ये भौतिक काम, सांसारिक काम, गृहस्थी का काम, खेती का काम, दुकान का काम और दफ्तरों का काम, ये काम कुछ नहीं है। इसको तो आप करो निमित्त मात्र, इस पर भी एक पैर रखो, उस पर भी रखो। ये ग्रस्त आश्रम है शरीर रक्षा का, तो एक नाव पर पैर रखो ये ग्रस्त आश्रम की, ये बाल बच्चों के पालन पोषण और परिवार और समाज इसकी सेवा के लिए एक नौका ये, और एक ये नौका है जीवात्मा को पार होने की, ये नौका है शरीर रक्षा की। तो जब महात्मा मिल जाए तो धीरे से दोनों पर पैर रखवा देते हैं, इस पर भी जमाए रहो, इस पर भी जमाए रहो, और दोनों का बैलेंस अभी बराबर रखो। अभी तो आपका एक पर है, एक ही पर है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखो नाव परमार्थ की,
इस पर भी रख लो, ये स्वार्थ की नाव है, इस पर भी रखे रहो। इस पर तो धीरे धीरे अपने उपदेश के द्वारा और दया के द्वारा और शक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो जो स्वार्थ की नाव है सांसारिक, उसका जरा सा पैर का हल्कापन और परमार्थ पर जरा वजन ला दिया, बस आपकी स्वाभाविक गिरा होने लगी। अच्छा अच्छा, इन इच्छा नहीं अरुचि होने लगी, तो धीरे 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 उस पर जमा होने लगा, शरीर की ताकत का एक पर जमा हो। अब वो इस तरह का आपका हो जाएगा कि इस पर तो जमा हो गया और ये निमित्त मात रह गई, बस जब तक रहो तब तक ये निमित्त मात बस असली जो है, तो ये अंदर में उस पर जमा कर लो और ये तुम्हारा इसको बिगाड़ना नहीं। तो इसलिए हमने तो कोई ऐसा काम रखा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम का कोई काम बंद करना है, कपड़े पहनो, खाना खाओ, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और जो भी रस्म रवाज उसको भी करो, ये सब करो, हमने सब पर कहार रखे, किसी काम को बंद नहीं किया। और ये है परमात्मा, यहां बैठ करके अब इधर से अपने ध्यान को हटा दो, थोड़ा खेती से, दफ्तर से, दुकान से, बच्चों से, इनसे उनसे थोड़ा दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट के लिए यहां ला करके मन को, बुद्धि को, चित्त को यानी जीवात्मा के साथ में इसको लगाकर वो थोड़ा सा सही हो, बस इतने में काम है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, संसार बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और परमार्थ। जैसे ही आप यहां से दरवाजा खोल करके चल पड़े, बस चलने वाली बात, अगर एक कदम भी पड़ गया तो फिर रुकने वाला नहीं, दूसरा कदम जरूर उठ जाएगा। वो चाल इस तरह की है जीवात्मा की कि जैसे ही एक कदम बढ़ा वह दूसरा प्रवेश कर जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भेद है, अभी कुछ नहीं मालूम कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये कुछ नहीं है। साधक लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या आनंद और शक्ति उनको मिलती है, अब ये तो बताने का आपको आदेश नहीं है। वैसे तो ये बता सकते हैं लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको बताकर साधकों का नुकसान हो जाए। साधक अपनी चीज भी रखे और आपको कुछ समझा बुझा भी दें, इनका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा हो जाए। असल में चीज यह है कि गोपनीय राज ये साधक नहीं बताते, ना बताएंगे तो इनसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जब ये घेर घार करके यहां ले आएंगे तो फिर यहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस ये समझ लो कि आपके पक्के साथी है, ऐसा मत समझो ये किसी बुराई की तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं, ये अच्छाई की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य यह है कि बुराई छूट जाए और अच्छाई में प्रवेश हो जाए। वैसे तो बुराई को बुराई आप भी घर में मानते हो, उससे आप भी दुखित हो जाते हो कि ये बुरा है, तो दूसरा अगर आपको ये कह दे कि ये बुरा है तो वो जानता है इसलिए कहता बुरा, आप जानते हो तो आप कहते हो बुरा, तो बुराई ही है और अच्छाई अच्छाई है, इसलिए बुराई की तरफ ध्यान नहीं देते, ये तो चाहते हैं कि बुराई हट जाएगी अच्छाई आ जाएगी, ये लक्ष्य। तो ये पक्के आपके साथी यानी दोस्त सहयोगी, इनको अपना समझना चाहिए और असली जगह पर पहुंचा दे, इससे बड़ा परोपकारी कौन हो सकता है। तो ये सब चीजें सामाजिक लेकर के चली जा रही है, इनसे अलग थलग आपको नहीं किया जा रहा। तो मैं आपकी जो व्यवस्था योजना है उसको पूरा बना करके तैयार कर चुका हूं और बस यह है कि जैसे ही अपनी जगह पर आप खड़े हो गए वैसे ही योजना आपके सामने रख दी जाएगी। और जब वो चक्र है यू योजना के अंतर्गत जब आप प्रवेश हो जाओगे तो सारा का सारा गुण है उसका ज्ञान और राज आपको समझ जाएगा, फिर उसके लिए कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यह है कि न जानने